मथुरा सांसद हेमा मालिनी आज गोवर्धन के गांव पेठा पहुंची, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए कृषि विज्ञान केंद्र का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राचार्य समेत ग्राम प्रधान ने हेमा मालिनी को गिरिराज महाराज का चित्रपट भेंट कर जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद हेमा मालिनी ने किसानों के साथ मंच से कृषि और पशु संबंधी जानकारी साझा की, तो वहीं किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान हेमा ने पानी की टंकी का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की तादाद में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। किसान भाइयों बहनों और पशुपालकों, आप सबको आज इस फेटा गांव, जिसको मैंने गोद लिया है, यहां आकर बहुत खुशी हो रही है और आप सबको मिलकर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए मुझे आप सबको मिलना हुआ। फेटा गांव के लिए मैं पहले कह दूं कि इस गांव को गोद लेने की वजह से काफी काम यहां पर हो रहा है और बहुत होने वाला है। जो हो चुका है वो यहां पर आदर्श गांव लिया है, तो इसके प्रति 90% वर्क आपके एक बहुत बड़ा वाटर टैंक बनने वाला है यहाँ आपके गांव में। सोलर लाइट को है बना ही दिया हुआ है और प्राइमरी स्कूल का काफी रेनोवेशन भी हुआ है। आपको बहुत खुशी होगी कि एक वाटर टैंक दिलाना बहुत मुश्किल का काम होता है, जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है और आज हम उसका भूमि पूजा करने वाले हैं, जिससे आप सबको बहुत ही पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा।